चैनल और मैं ब्लॉग बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ. अभी बज रहे हैं रात के 10 और हम लोग जा रहे हैं, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है रात को 12 बजे उसका बर्थडे है, तो हम लोग जा रहे हैं उसके घर सरप्राइज़ देने के लिए. उसके हस्बैंड को बताया था मैंने, बट अभी मैंने ये बोल दिया कि हम लोग नहीं आ रहे हैं. विक्की और तो बोल रहा है कि ऐसा सरप्राइज़ मत दो कि हमको सरप्राइज़ मिल जाए और वो दोनों कहीं निकल जाएँ. सो लेट्स सी, मैं अभी मैसेज करके पिंग कर दूँगी उसको, उसके हस्बैंड को, एंड हम लोग उसको सरप्राइज़ देने जा रहे हैं. अभी जस्ट हम लोग केक खरीदेंगे. और कितना घंटे लगेगा पहुँचने में उसके घर? 45 मिनट. मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में. और मैं उसके घर जा रही हूँ बहुत ही सिंपल सा कैजुअल सा टॉप पहन के, एंड साथ में मैं बॉटम्स में बिल्कुल सिंपल से लोअर पहनी हुई हूँ, बिल्कुल सिंपल बॉटम्स पहनी हुई हूँ और फुटवेयर में ये पहनी हुई हूँ, क्योंकि हम लोग उसके घर में जा कर के यू नो ऐसे चिल मारते हैं, गेम्स वेम्स खेलते हैं, तो अच्छे से आलती वालती मार के बैठने के लिए. तो यस, मैं आप लोगों से मिलती हूँ कार में बैठने के बाद. बॉट द केक और अब हम निकल चुके हैं और हमको अभी दिखा रहा है 37 मिनट्स बता रहा है. ये 37 से कम वो 50 मिनट्स हो जाएगा, कुछ बोल नहीं सकते. बट एक्चुअली हम रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, हम शायद बहुत लेट निकल रहे हैं. 10 बजने वाला है अप्रॉक्सीमेटली, तो हम बहुत लेट निकल रहे हैं, तो इसलिए माइट बी पॉसिबल कि रश नहीं है. और वहाँ से भी हम फटाफट निकलेंगे बिकॉज कल मंडे है, सबका ऑफिस है, उसका भी वर्किंग है, दोनों का वर्किंग है और विकी का भी वर्किंग है, तो ऐसा. और मेरा भी वर्किंग है, बट मेरा एक बार चल जाता है किस मैं घर से काम करती हूँ. सो यस, अब मैं जब वहाँ पहुँच जाऊँगी तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ. सो वी रीच्ड, हम लोग पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट और अब हम फटाक से ऊपर जाते हैं. गाड़ी लगाने की हम लोगों को बेस्ट थिंग इस जगह भी मिल गई है. यहाँ पर बहुत स्ट्रगल है. आपको मुंबई की एक और चीज़ बताती हूँ, अगर आप लोग मुंबई से नहीं हैं तो अगर आप सपोज किसी के घर भी जा रहे हैं ना, अगर आप मेरी कॉलोनी में भी आएंगे ना, तो आपको अगर आप आउटर हैं, आउटसाइडर्स हैं, तो आपकी कार को अंदर पार्क करने को अलाउ नहीं करा जाता है. तो ये बहुत ही गंदी चीज़ है. पूरे मुंबई में ये कल्चर होता है क्योंकि जगह ही नहीं है, अंदर वालों की कार खड़ी होती है, उन लोगों की जगह नहीं रहती है, तो बाहर वालों को वो कैसे अलाउ करेंगे. दैट्स द थिंग. केक उठा लेना पीछे से. तो ये है हमारी बर्थडे गर्ल. हाय हाय. और ये बर्थडे गर्ल की शॉपिंग है. कैन यू स्पॉट ऑल दीज? एंड इट इज वेरी लेस आल्सो. हाँ, ये सेफोरा, देन ये क्या है? शॉपर स्टॉप. ये शॉपर स्टॉप, देन ये वैन हुसैन, और ये क्या है? ली कूपर. ये भी तुम्हारा है? हाँ हाँ. She's not satisfied. मुझे फोन करके बोल रही थी 8:30 बजे कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, मैं क्या करूं? ये बादशाह के लिरिक्स सुनने क्या देती
वी रीच और अभी बज रहा है रात के 2 एंड अब मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है बिकॉज हम लोगों ने हमारा जो शेड्यूल है ना वो काफ़ी चेंज किया है। हम 12:30-12 बजे के बाद तो बैटरी बिल्कुल मेरी डाउन हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है बस अब सोना है। तो कल विक्की का ऑफिस है, उन दोनों का भी, दोनों वर्किंग है तो ऑफिस है सबका, इसलिए हम लोग आ गए। हाय गाइस, सो टुडे आई एम गोइंग टू डू स्पा ऑन माय हेयर। एज यू कैन सी मेरे बाल बहुत ही चंपू माई टाइप से लग रहे हैं बिकॉज मेरा आई हैव अ ऑयली स्किन, तो मेरा स्कैल्प भी ऑयली है, तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यू नो ऑयल आ चुका है एंड इवन काफ़ी सारा डैंड्रफ भी आ चुका है मेरे बालों में। कैन यू सी दिस, कैन यू स्पॉट द डैंड्रफ? तो दिस इज़ द थिंग, अगर मैं 3 दिन भी बाल वॉश नहीं करती हूँ तो मेरे बालों में डैंड्रफ आ जाती है। सो दिस इज़ द एक्सट्रीम कॉन्स ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट जो मैंने अपने बालों में करवाया है। सो टुडे आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मामा अर्थ का टी ट्री हेयर मास्क। मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ में बोल चुकी हूँ मामा अर्थ के हेयर मास्क के लेकर के कि इनके हेयर मास्क एब्सोल्यूटली अमेजिंग होते हैं। आप चाहे अनियन हेयर मास्क ले लो, चाहे आप टी ट्री हेयर मास्क ले लो, बट दिस हेयर मास्क इज़ पर्टिकुलरली फॉर योर डैंड्रफ और हेयर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए होता है ये। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस। मैं इसके ऊपर एक और वीडियो में बोल चुकी हूँ टी ट्री के ऊपर ऑलरेडी एंड आई हाईली रिकमेंड यू दिस। मेरे पास बहुत सारी बार इस तरह का क्वेश्चन आता है कि हमको क्लीन हेयर में यूज़ करना है या हम नॉर्मल हेयर में यूज़ कर सकते हैं। सी अगर आपको क्लीन हेयर में यूज़ करना है डेफिनेटली उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे। आप चाहें तो जैसे मैं अभी क्या करने वाली हूँ, अभी मैं ये वाला जो मास्क है ये अपने बालों में यूज़ करूँगी, देन स्टीम करूँगी अपने बालों को प्रॉपर, जो हेयर स्पा जिस तरह से नहीं होता है वैसा करूँगी, देन आई एम गोइंग टू यूज़ द सेम शैम्पू टी ट्री रेंज का ही एंड देन सेम कंडीशनर। ये मेरा प्रोसेस होता है, लॉन्ग प्रोसेस। आप चाहें तो पहले शैम्पू कर लीजिए, अपने बालों को क्लीन कर लीजिए एंड देन इस मास्क को अपने बालों में अप्लाई करिए एंड देन आपको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। तो उससे भी रिजल्ट, अगर आपके बाल बहुत एक्सट्रीमली ड्राई हैं तब आप ये प्रोसेस करिएगा, अदरवाइज अगर आपके बाल ऑयली है ना तो इट माइट पॉसिबल कि आपका जो टेक्स्चर है वो और ज्यादा ऑयली हो जाए। तो ये जब बहुत ज्यादा ड्राइनेस आपके बालों में बढ़ जाती है तब ये प्रोसेस करने का होता है, क्योंकि इसके अंदर टी ट्री मिला हुआ है। टी ट्री जो है वो आपके जितने भी इन्फेक्शियस प्रॉब्लम्स होती हैं आपके बालों में, कोई तरह का फंगस इन्फेक्शन होगा या कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो डैंड्रफ तो हटाता ही है, साथ में कोई भी इस तरह का अगर आपके बालों में हेयर रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होगी तो वो भी बहुत सारी बार किसी किसी लोगों के जो हेयर फॉल होता है वो फंगस इन्फेक्शन के थ्रू भी होता है। जब डैंड्रफ एक लेवल पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो फंगल उसमें कन्वर्ट हो जाती है, तो यू नो उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट दिस हेयर मास्क इज़ वेरी यूजफुल फॉर केमिकली ट्रीटेड हेयर, लाइक माइन इज़ अ केमिकली ट्रीटेड हेयर ना, सो दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर दैट एज वेल। एंड एज यू ऑल नो कि मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब 100% नेचुरल होते हैं, पैराबेन सल्फेट फ्री होते हैं, इनके अंदर किसी भी तरह के केमिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। मामा अर्थ इज अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड, जितना प्लास्टिक ये यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा प्लास्टिक ये लोग रिसाइकल करते हैं। मामा अर्थ इज ऑल्सो सर्टिफाइड नाउ एज अ पीटा। After applying this hair mask, अगर आप चाहते हैं कि हेयर मास्क का रिजल्ट और अच्छा है आपके बालों में, आप क्या कर सकते हैं, गर्म पानी में अपने टाल को डाल करके उसमें अच्छे से निचोड़िए एंड देन अपने बालों में लगाइए। हॉट टाल का जो स्टीम होता है वो लीजिए एंड अदरवाइज आपके पास इस तरह का स्टीम कैप बोलते हैं इसको, तो आप इस तरह का ले लीजिए। इसे आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है एंड यू नो आपके जो पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं एंड प्रोडक्ट अच्छे से अंदर जाता है एंड अच्छे से वर्क करता है। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट स्टेप बट इफ़ यू कैन डू इट, मैं बहुत हमेशा नहीं करती हूँ, मैं 1 in a 2 month और 1 in a month कर लेती हूँ ऐसा स्पा। मामा अर्थ की जो प्रोडक्ट्स हैं वो नाइका, अमेजन और mamaearth.in पे अवेलेबल हैं। स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो इट्स मोर देन 20 मिनट्स नाउ एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस मामा अर्थ का टी ट्री शैम्पू। इट हैज ऑल्सो टी ट्री एंड जिंजर ऑयल, वेरी गुड फॉर डैंड्रफ फ्री हेयर, इज फ्री फ्रॉम ऑल द केमिकल्स, पैराबेन, सल्फेट, इट इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। अगेन दिस इज फ्री फ्रॉम ऑल द हार्मफुल केमिकल्स, दिस इज पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, दिस वन इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड सूटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ हेयर टाइप्स। एंड आफ्टर दैट पोस्ट शैम्पू यू हैव टू यूज कंडीशनर, तो आप कंडीशनर जो यूज करेंगे वो अगेन इट हैज द सेम इंग्रेडिएंट्स, टी ट्री एंड जिंजर ऑयल, बेस्ट फॉर डैंडर फ्री हेयर। तो ये दोनों मैं भी फटाक से यूज कर रही हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक शावर एंड आई मीट यू पोस्ट शावर। हाय गाइस, और बहुत सारे लोग जो मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैं फ्राइडे को यूजुअली यू नो इट्स माय मी टाइम होता है, मैं अपना जो भी पूरा काम होता है वो थर्सडे को कंप्लीट कर लेती हूँ, थर्सडे की रात तक कंप्लीट करती हूँ, बट फ्राइडे मैं अपना फ्री रखती हूँ। फ्री रखती हूँ इन द सेंस मीन्स मुझे बाहर के काम करने होते हैं,
करते हैं, सपोज मॉल जाना है, मार्केट जाना है, ऐसे ही घूम के आना है, अब मुझे कुछ अपने मर्जी का खाना है, वो सब के लिए मैं अपना फ्राइडे जो है वो सेव करके रखती हूँ. एंड येस्टरडे अभी मुझे क्यों जाना है, काम से जाना है, मेरी एक फ्रेंड आ रही है मिलने के लिए. दूसरी चीज़, मुझे ये H&M से मैंने कुछ अंडरगारमेंट्स मंगवाए थे, वो मुझे चेंज करना है. ऑल्दो मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया था, बट अब पता नहीं ऑफलाइन स्टोर पे चेंज होता है कि नहीं होता है, तो मैं लेकर के जाने वाली हूँ. तो ये वाला जो पार्ट होगा, दिस विल बी लाइक अ गेट रेडी विद मी. मेरे को बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि आप अपना नॉर्मल डे टू डे मेकअप जो करते हो उसके ऊपर वीडियो बनाओ. तो मैं बहुत बेसिक मेकअप रहता है मेरा, तो मैं वही आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ. मेरा मन कर रहा है ये वाला स्कर्ट पहने का, तो मैं आज ये स्कर्ट पहनती हूँ क्योंकि अभी तक मैंने इसको ट्राई नहीं किया है. सो यस, सो दिस इज द स्कर्ट एंड द टॉप आई एम वेयरिंग ग्रे कलर. इसके साथ और भी बहुत अच्छे टॉप्स पहन सकती थी मैं, बट क्योंकि अभी जस्ट मॉल जा रही हूँ तो मैंने बहुत सिंपल सा टॉप कैरी किया है. तो मॉइस्चराइजर मैंने लगा लिया है, तो मैं थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाऊंगी अपने फेस पे. After sunscreen, I'm going to use this LA Pro HD Conceal in the shade Pure Beige. ये बिल्कुल मेरे skin tone के color का है, तो जहाँ जहाँ पर भी मुझे लगता है कि unevenness है वहाँ पर मैं ये concealer लगाती हूँ. MAC का स्टूडियो फिक्स, इट गिव्स अ वेरी गुड कवरेज. तो कोई भी आपको फाउंडेशन या बीबी क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑलरेडी आपके फेस पे बहुत अच्छा सा कवरेज देता है. तो आई एम गोइंग टू यूज दिस. जब ये कॉम्पैक्ट लगा लेती हूँ मैं, उसके बाद थोड़ा सा मैक का प्रेप एंड प्राइम फिक्सिंग स्प्रे जो है वो आप स्प्रे कर लोगे, तो आपका फेस में एकदम सीमलेस ऐसे लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ भी किया है. सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस आईब्रो का, थोड़ा सा आईब्रो करूंगी मैं. फॉर माई लिपस्टिक आई एम गोइंग टू मिक्स दीज टू शेड्स. दिस इज नायका मैटलिशियस जेड रोज एंड दिस इज स्मैश बॉक्स. Shade name is Driver Seat. तो जब भी आप हेयर को कर्ल करते हैं, कर्ल करने के बाद आपको इसको थोड़ी देर वैसे ही रखना होता है ताकि वो ठंडा हो जाए और सेट हो जाए. एंड देन हियर यू गो. ओपन करने के बाद दिस इज लुकिंग यू नो प्रिटी नाइस बीची काइंड ऑफ अ कर्ल्स. ओके, कमिंग टू द ड्रेस आई एम वेयरिंग. सो दिस टॉप इज फ्रॉम ज़ारा. ये आप मेरे बहुत सारे वीडियोस में देख चुके होंगे, मैं इसको बहुत पहनती हूँ. देन दिस स्कर्ट इज फ्रॉम माई बर्थडे हॉल, चेक माई बर्थडे हॉल से मैंने शो किया है. देन दिस फुटवेयर इज फ्रॉम H&M. This bag is from Zara again. Check my last year's birthday haul, 2019 birthday haul में मैंने इसको शो किया था. And अब मैं फटाफट से निकलती हूँ और आने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ. Till then. और मैं जहाँ पर मॉल गई थी तो मैं ऐसे कुछ लेकर के नहीं आई जो मुझे वापस करना था H&M वाला. वो उन लोगों ने बोला जब आप ऑनलाइन शॉपिंग से मंगवाते हो, ऑनलाइन H&M से मंगवाते हो, वो ऑनलाइन के थ्रू ही वापस होगा. एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने उसका जो कार्ड है, आई थिंक जो रिटर्न कार्ड है, वो फेंक दिया है. तो अब मुझे उनके कस्टमर केयर से बात करनी है, लेट्स सी वो लोग कैसे हेल्प करते हैं. एंड उसके बाद मैं ये कुछ फ्लावर्स लेकर के आई हूँ. These are the real flowers and I absolutely love it. मुझसे किसी ने पूछा था कि आप ये कैसे इसको मेंटेन करते हो, तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है. तो एक्चुअली ये आप जो देख रहे हो, इतनी पूरी स्टिक, ये पूरा सामान मेरे पास आया है. 200 रुपीज़ के फ्लावर्स आते हैं, तो ये आपको मंथ में 2 या 3 बार ही मैं लेकर के आती हूँ, ज़्यादा नहीं. बिकॉज जो मेरे पहले वाले फ्लावर्स होते हैं वो चलते बहुत हैं, तो मेथड होता है उसको चलाने का. आपको क्या करना होता है, कम पानी में उसको रखना होता है और हर दिन पानी चेंज करके नीचे से उसको कट करना होता है, थोड़े स्लैंटिंग वे में, लाइक इस वे में आपको कट करना होता है. ऐसे स्ट्रेट कट नहीं करना होता है, ऐसा कट करना होता है, तो वो चलता अच्छा है. ये है
छोटा वाला, इसमें एक्चुअली मैं कम फ्लावर्स लेकर के आई हूँ, एक दो और होते तो और सुंदर लगता, बट ठीक है इसमें ही पूरा घर बहुत यू नो महक जाता है, तो इसको मैं एंट्रेंस के पास में रखती हूँ तो एकदम से अंदर घुसते से बहुत अच्छी खुशबू आती है, और ये वाला यहाँ पर रहता है। सो दैट्स इट फॉर माय वीडियो, मैं आज का जो ब्लॉग है वो यहीं खत्म करती हूँ और मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो, और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन